Hello everyone, this is काजल शर्मा. Welcome back to my YouTube channel काजल शर्मा क्लासेस. आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर मैटर, जिसको हिंदी में व्याख्यान विधि भी कहा जाता है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं. लेक्चर मैथड होता क्या है? द वर्ड लेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेक्टेयर which means to read out or to read aloud. Lecture word का meaning ही होता है कि read करना या फिर read aloud. Next point है, the lecture method has been one of the oldest method used by the teacher to teach almost all the subject. जो lecture method है वो एक traditional method है, जिसको हम oldest method भी बोलते हैं, and इसका use almost सभी subject को teach करने के लिए किया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज प्योरली अ टीचर सेंटर्ड मेथड. जो लेक्चर मेथड होता है वहां पर टीचर सेंटर्ड मेथड चलता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिवली लिसनर्स होते हैं. नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ लेक्चर इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर्स. यानी लेक्चर मेथड के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे की जाती है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को. इट इज ऑल्सो नोन एज टेलिंग मैथड एंड कन्वर्सेशनल मैथड. इसको टेलिंग मैथड भी बोला जाता है, बिकॉज टीचर यहाँ पर क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, रीड आउट या रीड अलाउड होता है, तो दैट इज कॉल्ड टेलिंग मैथड. और कन्वर्सेशनल मैथड, बिकॉज यहाँ पर कन्वर्सेशन के थ्रू ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेलिंग मैथड और कन्वर्सेशनल मैथड. एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नरेटिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर टीचर आपको नरेटिव करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन देते हैं सब्जेक्ट मैटर का. नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ लेक्चर मेथड. फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशनल पर्पस. द लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड मोटिवेट द लर्नर्स बाय प्रेजेंटिंग द लेसन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग एंड ऑडियो विजुअल एड्स. अगर टीचर लेक्चर मेथड का यूज करते टाइम प्रॉपर एड्स का यूज करे एंड एप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग आंसर टेक्निक का यूज करे, तो लेक्चर मेथड मोटिवेशनल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिफिकेशन पर्पस. लेक्चर मेथड में रिव्यू और प्रेजेंट अ न्यू इंटरप्रिटेशन एंड एस्टेब्लिश अ न्यू एसोसिएशन. लेक्चर मेथड के थ्रू टीचर अपना कंटेंट स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर करते हैं, जिससे स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर होते हैं, टीचर उनको एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट है रिव्यू पर्पस. बाय समराइजिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज टॉपिक, a lecturer can also present a profitable review of his lecture to benefit its students. Present time में तो नहीं, but अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो students के लिए lecture method appropriate होता था, because teacher का होता था कि उनको students को almost content teach करना है. उस टाइम students के भी इतने doubts and query नहीं होती थी, तो students के लिए एक appropriate method होता था lecture method, and आज भी इसका use किया जाता है कुछ subjects को teach करने के लिए. नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग कंटेंट्स. दिस मेथड इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग द सब्जेक्ट मैटर एज द स्टूडेंट्स रिक्वायर मच मोर नॉलेज इन एडिशन टू द रिलेटेड कंटेंट. मीन्स कि अभी हमने डिस्कस किया था इसके की पॉइंट्स में कि ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेक्चर मेथड जो होता है, एंड यहाँ पर टीचर के हाथ में ही है कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर को, कंटेंट को कैसे एक्सपेंड करता है स्टूडेंट्स के सामने, जिससे उनकी नॉलेज एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो सके. Next purpose is saving the time. This method is also helpful in saving the time of students by providing important information in short period. यानी एक 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें जो लेक्चरर होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, उसमें आपको ट्राई करते हैं कि सारी जो मेन पॉइंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको प्रोवाइड कर सके, जिससे स्टूडेंट्स का टाइम सेव होता है. नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी प्रोसीजर एंड स्टेप्स इन लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड अगर आप देते हैं स्टूडेंट्स को तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं. इसके 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज. सबसे पहले जो लेक्चरर है आपके वो प्लानिंग करते हैं. देन है प्रेजेंटेशन स्टेज, जहाँ पर जो लेक्चरर है, जो टीचर है, वो आपको प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कंटेंट डिलीवरी करते हैं. एंड नेक्स्ट है इवैल्यूएशन स्टेज. आफ्टर प्रेजेंटेशन वो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन भी करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया और कितना नहीं आया. नेक्स्ट है प्लानिंग स्टेज में टीचर क्या क्या प्लानिंग करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है यूजफुल रेफरेंस बुक, करंट जर्नल्स बुक अलोंग विद टेक्स्ट बुक. यानी डिफरेंट सोर्सेज का यूज करते हैं आपको टीच करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई फ्यू कॉन्सेप्ट, चूज द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। जब आप प्लानिंग करते हो स्टूडेंट को कंटेंट डिलीवरी करने के लिए, कोई भी टॉपिक टीच करने से पहले आप एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की प्लानिंग करते हैं कि स्टूडेंट को आप किस लैंग्वेज से टीच करोगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप स्टूडेंट्स को दोगे लेक्चर प्रोवाइड करते टाइम। नेक्स्ट है कीप इन माइंड टोटल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसा है क्लासरूम का, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एंड एनवायरनमेंट भी सभी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होता समटाइम्स, तो आप इन सभी बातों का प्लानिंग करते टाइम ध्यान रखते हो। नेक्स्ट है इन सपोर्ट ऑफ लेक्चरिंग अप्लाई वेरियस टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स लाइक क्वेश्चन आंसर। जब आप लेक्चर मेथड का यूज करेंगे तो बाय साइड आपको डिफरेंट टेक्निक्स का भी यूज करना है, लाइक आप क्वेश्चन आंसर का यूज कर सकते हो जब आप लेक्चर मेथड देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं एंड ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं। ये सभी आपके प्लानिंग स्टेज में इंक्लूड होते हैं। स्टेज है प्रेजेंटेशन स्टेज। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद एवरी पीपल ऑफ क्लास, यानी इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करे टीचर। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ लेक्चरर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, वो स्टूडेंट्स के मेंटल एज को माइंड में रखें कि उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। मान लीजिए आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, उनका बैकग्राउंड हिंदी है लेकिन आप उनको इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करते हैं, तो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए लेक्चरर को लेक्चर डिलीवर करते टाइम। नेक्स्ट है ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज का भी यूज करें लेक्चर देते टाइम। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन स्किल। जो लेक्चर मेथड है आपका, लेक्चर स्ट्रेटेजी है, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज लेक्चर का मतलब ही होता है टू रीड आउट। जब आप बोलकर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, लेक्चर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेक्चर मैथड एंड इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल कंपल्सरी होती है। नेक्स्ट है पिच ऑफ वॉइस। पिच ऑफ वॉइस का मीन्स है आपके जो आवाज़ है, जो आप बोलते हैं, उसमें उतार चढ़ाव कैसे आता है, आप स्टूडेंट्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो अपने कंटेंट की तरफ, तो इन सभी बातों पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट है पिच ऑफ वॉइस, जो आपकी वॉइस है उसका उतार चढ़ाव प्रॉपर हो, ना ही ज़्यादा लो हो और ना ही ज़्यादा हाई हो, यानी इतना भी लो ना हो कि स्टूडेंट्स उसको सुन ना पाए, ऑडिबल ना हो, और इतना भी हाई ना हो कि स्टूडेंट्स आपसे डरे डरे रहें और उनके कुछ भी समझ ना आए। नेक्स्ट है ट्राई टू इंट्रोड्यूस ह्यूमर फॉर री इन्फोर्सिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, यानी आप बीच बीच में स्टूडेंट्स के साथ फ्रैंक भी होइए, ह्यूमर का यूज कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। एंड प्रोवाइडिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स रखेंगे प्रेजेंटेशन करते टाइम जिससे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए लेक्चर मेथड में भी। थर्ड स्टेज है इवैल्यूएशन स्टेज। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन लेते हैं। टीचर मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज टीचिंग एंड इवैल्यूएट हिज टीचिंग आउटकम्स, यानी जो भी टीच किया है उसका क्या आउटकम आया है, क्या चेंजेस आया है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। एट द एंड ऑफ द कवरेज ऑफ पर्टिकुलर यूनिट और सेगमेंट ऑफ द कंटेंट मस्ट ट्राई टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, यानी जब भी आप कोई यूनिट या कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स को टीच करें उसके बाद उनका एक इवैल्यूएशन करें जिससे जो भी आपने स्टूडेंट को कंटेंट टीच किया है उसका आउटकम आपको पता लग पाए। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग द क्लासरूम। क्लासरूम को कंट्रोल करना ईजी होता है विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, जो स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका फुलफिलमेंट होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जब लेक्चर मेथड का यूज होता है तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्किल, कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, लाइक यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बिल्ड होती है प्लस उनकी लिसनिंग स्किल इन्हांस होती है। नेक्स्ट है लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू, यानी जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज है लेक्चर मेथड की हेल्प से उसको न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स ऑफ अदर मेथड। लेक्चर मेथड सप्लीमेंट का काम करता है अदर मेथड्स के लिए, बिकॉज जब अदर मेथड का यूज किया जाता है तो बीच बीच में लेक्चर मेथड को भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पावर, थिंकिंग पावर प्लस रीजनिंग पावर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड इकोनॉमिकल का मीन्स होता है कि बजट में होता है, लेक्चर मेथड में इतना कॉस्ट नहीं होता, यानी जो अदर मेथड होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होते हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को डेमो देना होता है, प्रैक्टिकल वर्क करवाना होता है, वो कॉस्टली होता है। सो कंपैरेटिवली लेक्चर मेथड आपका इकोनॉमिकल होता है, बजट फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट स्लाइड है डिसएडवांटेजेस डीमेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। फर्स्ट पॉइंट है टीचर सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड होता है, नो एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है क्योंकि सभी कुछ प्रिपेयर करके जो लेक्चरर होते हैं वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, तो यहाँ पर टीचर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट गुड फॉर ऑल टीचर्स। जरूरी नहीं है कि सभी टीचर लेक्चर मेथड ही दे पाए, किसी टीचर्स का अपना अलग मेथड होता है, तो ये सभी टीचर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है एनकरेज स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग एक कहावत है, आपने सुनी ही होगी। स्पून फीडिंग मतलब है कि आपको पका पकाया खाना दे दिया, आपको बस खिलाना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, बस खाना है। मतलब ये है कि आपके टीचर ने, आपके लेक्चरर ने सारा कंटेंट प्रिपेयर करके स्टूडेंट के सामने रख दिया, स्टूडेंट को बस उसको अपने माइंड में डालना है, तो ये स्पून फीडिंग को एनकरेजेस करता है। यानी यहाँ पर बच्चे कोई ट्राई नहीं करते अपनी तरफ से, सारा काम यहाँ पर टीचर का होता है, उन्होंने बस स्पून फीडिंग करानी होती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है नॉट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। यानी जो ये मेथड है लेक्चर मेथड, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर होता तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता जितना टीचर्स का है, लेकिन यहाँ पर टीचर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है लेसन बिकम्स डल एंड बोरिंग। जब लेक्चर मेथड होता है तो स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है एंड ये डल एंड बोरिंग काइंड ऑफ होता है। नेक्स्ट है फास्ट स्पीड। लेक्चर मेथड में स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, यहाँ पर टीचर को ये रहता है फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है नो डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो यही था लेक्चर मेथड। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।